है, थोड़ा रिलैक्स्ड है ना। ये सारे होम स्टे में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसमें चाहे जो गुरु आओ इसका ऊपर भेद नहीं सकता है। तो आज हमारा लास्ट डे है तवांग में, और आज हम निकलेंगे यहाँ से गुवाहाटी के लिए। बट हम डायरेक्ट गुवाहाटी नहीं जाएंगे, हम बोमडिला में स्टे करेंगे आज रात को, और कल बोमडिला से गुवाहाटी के लिए निकलेंगे, क्योंकि तवांग से डायरेक्ट गुवाहाटी का डिस्टेंस कम से कम 16-17 घंटे की ड्राइव है। तो इसलिए हम ब्रेक करके जाएंगे, पहले हम बोमडिला जाएंगे और बोमडिला से गुवाहाटी। तो बीच में आज हमारा प्लान है संगति वैली देखने का, और बोमडिला में भी हमने स्टे के लिए मोनेस्ट्री बुक की हुई है। तो लेट्स सी वहाँ का स्टे कैसे रहता है। बाकी अभी पैकिंग वैकिंग हो गई है, बस चाय वाय पी के और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। तो बोमडिला में भी हमने मोनेस्ट्री बुक की हुई है, और उसका डिस्टेंस अराउंड 170 किलोमीटर है, जिसमें हमें 5 घंटे करीब लगेंगे। लेकिन हमें रास्ते में सांगती वैली भी देखनी है, तो आई थिंक हमें थोड़ा 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा। तो बाकी फ़िलहाल हम निकल गए हैं यहाँ से, टाइम से ही निकले हैं। तो आते हुए तो हम सेला पास होके आए थे, लेकिन अब जाते हुए हम सेला टनल से जाएंगे। तो ये टनल बेसिकली उस पास को अवॉइड करने के लिए बनाई हुई है। 9 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से कम हो जाता है। तो भाई ये अपने पीछे है सेला टनल। तो आते हुए हम सेला पास से आए थे जहाँ पे वो गेट था, बट ये एक नया रास्ता है, 7-8 किलोमीटर कम पड़ता है। तो सेला टनल अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई है, और देखो लिखा भी है यू आर एट 13,000 फीट। तो और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया अभी यहाँ पे, बारिश वारिश तो भी काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से। मुझे लग रहा है ये अभी तवांग घूमने का कोई पीक सीज़न नहीं है, तभी ये देख लो पूरी टनल खाली पड़ी हुई है। काफ़ी लंबी टनल है, लेकिन इसमें कोई और गाड़ी बाइक कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ हम लोग ही अरुणाचल प्रदेश घूमने आए हुए हैं इस टाइम पे। इस सेला टनल को दो पार्ट्स में बनाया हुआ है, तो एक टनल जिसे हम अभी निकल के आए हैं, और ये है दूसरी टनल। तो दोनों का नाम सेला टनल ही है, बट ये आई थिंक थोड़ी सी छोटी है, बट वो काफ़ी लंबी टनल थी। तो अभी तक हमने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और सिर्फ 100 किलोमीटर के करीब बचा है यहाँ से। तो अभी कहीं रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, ब्रेक लेते हैं थोड़ा। तो भाई अभी रुके हैं यहाँ बैसाखी में छोटे से चाय ब्रेक के लिए, और ये पीछे पूरा आर्मी का कैंप है। थोड़े फ्रूट्स वगैरह ख़रीदते हैं रास्ते के लिए, क्योंकि प्रॉपर लंच का तो ट्रैवलिंग में थोड़ा मन नहीं कर रहा है, रोड्स काफ़ी कर्वी हैं। तो यहाँ से अभी हम फ्रूट्स वगैरह लेंगे, ताकि रास्ते में थोड़ा बहुत हम खाते हुए चलें। तो इस फ्रूट को जो अभी हमने खाया है, इसको पर्सीमोन बोलते हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारे पेड़ हैं इसके। तो अब हम बढ़ रहे हैं सांगती वैली की तरफ, और सांगती वैली के लिए जैसे ही हमने कट लिया, तो उसके बाद से एकदम नैरो रोड स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे व्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे ना आपको होम स्टे वगैरह अगर आप करते हो यहाँ पे, तो आपको मज़ा आएगा। बट एज सच इस वैली में घूमने के लिए कोई जगह नहीं है। तो बाकी चल के देखते हैं, अब टाइम है अपने पास। ये देखो ये जितने भी आपको घर दिख रहे हैं ना इस विलेज में, ये सारे होम स्टे में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टे करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। अब आई डोंट नो ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, बट ऑप्शंस बहुत सारी हैं यहाँ पे। बाकी वैली तो सुंदर है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे होम स्टेज मिलेंगे। जैसे एक ये है जिसमें काम कंस्ट्रक्शन चल रही है, और काफ़ी सारे होम स्टेज उधर भी हैं सामने, वाइट टेंट वाले। मतलब यहाँ पर स्टे वगैरह करने के हिसाब से लोग आते हैं, ऐसा घूमने का उतना कुछ है नहीं, बस आप फ़ोटो वोटो खींच सकते हो। सांगती वैली सुंदर तो है,
लेकिन घूमने वाली जगह नहीं है। अगर आपको ड्राइव पसंद है या वैसे पसंद है तो रास्ता अच्छा है इसका। दिरांग से यहाँ आने की रोड नैरो है, एक साइड पूरी रिवर बहती रहती है, एक साइड माउंटेन्स हैं, तो वो रास्ता काफ़ी अच्छा है। बट सांगती वैली में इटसेल्फ घूमने का कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टे करते हो तो फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे उस साइड जाके काफ़ी सारे होम स्टेज बन रहे हैं और ऑलरेडी हैं भी, टेंट्स वगैरह आपको काफ़ी दिख जाएंगे। और इधर भी एक होम स्टे बन रहा है अभी, तो यहाँ पे बेसिकली स्टे करने का बेनिफिट है, स्टे करने का फ़ायदा है, उसमें ही मज़ा आएगा। अगर आप स्पेशली घूमने आ रहे हो सांगती वैली तो मतलब स्किप भी कर सकते हो, ऐसे कुछ वो नहीं है कि सांगती वैली आना मैंडेटरी है या थोड़ा रिलैक्स्ड है ना। एक ये वाला होम स्टे देखो यार, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, साइड में नदी बह रही है, कीवी के फार्म्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप पता कर पाओ इस होम स्टे का नाम क्या है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टे करना सांगती वैली में, मतलब लोकेशन वाइज काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए अपनी बॉमडेला की मोनेस्ट्री में, जहाँ पे हमने स्टे बुक किया हुआ है। तो बॉमडेला में दो मोनेस्ट्री हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो हमने ऊपर वाली लोकेशन पे जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे स्टे बुक किया है। तो इसकी बुकिंग भी हमने ऑनलाइन ही की थी, बट यहाँ पे हमने 500 रुपये एडवांस दिया था और दिरांग में हमने कुछ भी पेमेंट नहीं की थी। तो मतलब अगर आप यहाँ की बुकिंग करते हो तो हो सकता है आपको कुछ एडवांस भी देना पड़े। तो ये अच्छा, तो इसकी एंट्री कहाँ से होगी? इसकी एंट्री यहीं से होगा, मेन गेट से। अच्छा, तो अभी गाड़ी नहीं जा पाएगी? थोड़ा सा पेंट नहीं सुखा बस। अच्छा, ये जो बना हुआ है? जी जी जी। अच्छा ओके। तो हम पहुँच गए ये बॉमडेला मोनेस्ट्री जहाँ पे हमारा स्टे बुकड है। रियांश, ये पेंट से बच के, इस पेंट को नहीं ख़राब करना। तो एक्चुअली ये पेंट हुआ हुआ है रोड पे, तो इस वजह से रियांश पैर नहीं। आई थिंक यहाँ पे किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन हो रही है, तो ये पूरे रोड पे पेंट पेंट कर रहे हैं कुछ 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 चीज़ें बना रहे हैं पूरे रोड पे। तो यार दिरांग मोनेस्ट्री में तो कोई था नहीं, बट यहाँ पे ये जो मॉन्क्स हैं इन्होंने हमसे बैग ले लिए। जाएगा कल यार गुरु जी के यहाँ पे। अच्छा, जो अभी तवांग गए थे क्या? जी जी वही। अच्छा, कल वहाँ पे था, बहुत गए कल हम तवांग में गए थे। अच्छा, यहाँ पे आफ्टरनून के बाद। अगर ये बुक करते हो तो गाड़ी आपकी पूरी इस गेस्ट हाउस के बाहर तक आ जाएगी, बट अभी कुछ कल इनके कोई गुरुजी आ रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ डेकोरेशन हो रही है, रोड पे पेंट वेंट चल रहा है, तो इस वजह से वो सूखा नहीं था, सो दैट्स वाई हमें पैदल आना पड़ा। बट इनका गेस्ट हाउस अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो भाई ये हमारा मोनेस्ट्री का रूम, एक 404 और एक इसके पीछे वाला 403। आज हम स्टे कर रहे हैं बॉमडेला की मोनेस्ट्री में। तो ये मोनेस्ट्री का गेस्ट हाउस है बेसिकली, और टेंपल ऊपर की तरफ जाके है। तो पहले मैं रूम टूर करा देता हूँ आपको। तो बेसिकली हमारे दो रूम्स हैं, एक ये रूम है और एक इसके जस्ट बैक साइड में है। तो रूम में आप घुसोगे तो यहाँ पे दो सिंगल बेड लगे हुए हैं, नॉर्मल टेबल है, चेयर्स हैं, ठीक है, टीवी लगा हुआ है, और साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। तो प्रेटी बेसिक, बट गीज़र वगैरह अवेलेबल है, तो सर्दियों में कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे आपको। और इस मोनेस्ट्री में अपने रूम के साथ एक बैल्कनी भी है, तो चल के देखते हैं यहाँ से क्या व्यू है। बाकी बैल्कनी काफ़ी बड़ी है, मतलब आप स्पेस देखो, आप आराम से इसमें 2-3 लोग चेयर डाल के बैठ सकते हो। और ये सामने आपको कंप्लीट बॉमडेला का व्यू आएगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स हैं इसलिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा अगर यहाँ पर कोई टाइम लैप्स बन सके, अगर अच्छा बनेगा तो मैं डाल दूँगा, बट लोकेशन काफ़ी अच्छी लग रही है ये।
तो अभी फ्रेश वगैरह हो गए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं कि मोनेस्ट्री थोड़ा घूम ले और यहाँ पे जो कैफेटेरिया है उसमें थोड़ा हम खा पी ले जो भी कुछ। वैसे तो 5:15 हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह, क्योंकि लंच हमने किया नहीं था, सिर्फ फ्रूट्स खाए थे। और मोनेस्ट्री को भी एक्सप्लोर करते हैं, जो यहाँ का मेन टेम्पल है उधर भी चलते हैं, क्योंकि 6 बजे के आसपास आई थिंक सब बंद हो जाएगा। तो भाई ये जो मोनेस्ट्री है बॉमडिला की, ऑल दो दिरांग वाली की भी लोकेशन बहुत अच्छी थी और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है। अभी पीछे देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई नेचर वॉक करने वाली जगह है। बाकी जो टेंपल वगैरह हैं, जो टेंपल है मेन मोनेस्ट्री का, वो ऊपर जाके है, तो अभी वहाँ चल के देखते हैं। और अगर आपको ये मोनेस्ट्री बुक करनी हो तो इसका वो आपको अभी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, तो आप उस नंबर पे कॉल करके बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रूम्स अवेलेबल है, नॉर्मल रूम्स भी है, स्वीट रूम्स भी है। तो जो भी अभी मैंने आपको दिखाया वो नॉर्मल रूम था, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हो। और एडवांस भी आई थिंक हमने सिर्फ 2 रूम्स के 500 रुपये ही एडवांस दिए थे, तो एडवांस का भी ऐसा। रात लेने के बाद इसमें चाहे जो गुरु आओ इसका ऊपर भेज नहीं सकता है। अच्छा, इसलिए हम लोग इसको एक अलग से ही रखता है। अभी इसको जो शेयर कर सकता है, इसको जो अभी जो गुरु आएगा हमारा पूरा इसमें ही बिठा दे, तो कल गुरु आएगा, कल गुरु को हम लोग यहाँ बिठाएंगे। शायद मेरे ख्याल से 3 बार वैसे वो हम यहाँ विजिट होने के बाद 2-3 बार विजिट हुआ है। तो मोनेस्ट्री में अपना डिनर इज रेडी, दाल भात अगेन, और हमें सोफे वाली सीट्स मिली है। बाकी ये इनका डाइनिंग हॉल है। तो ये हमारा मोनेस्ट्री का खाना, दाल राइस और मिक्स वेज। कैसे है रेहान? उसमें ये मिला के मिक्स वेज को मिला के। हाँ। ओके।